Hello friends, today's topic is the development. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के इस टॉपिक में आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है। तो डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है किसी इंडिविजुअल सोसाइटी और एक नेशन की या फिर संपूर्ण संसार की इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर ही हम डेवलपमेंट को मापते हैं। तो डेवलपमेंट मापने का सीधा सा मतलब हुआ इकोनॉमिकली और नॉन इकोनॉमिकली माध्यम से हम उसे मापते हैं। तो ये एक मापक बन जाता है डेवलपमेंट का कि उसकी जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट का एक सही मायने निकालता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जिस तरीके से एक बटरफ्लाई यानी कि तितली जो है वो अपने रंग को बदलती है, उसी तरीके से डेवलपमेंट अपने आप को चेंज करता रहता है। डेवलपमेंट कभी स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा डायनेमिकली चेंज होता रहता है। हर एक सिचुएशन में जिस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसी के माध्यम से चेंज होता रहता है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की टाइप्स कितने होते हैं। नंबर एक पे आता है हमारा एक्सेप्ट डेवलपमेंट, नंबर दो पे आता है कंपाइलिंग डेवलपमेंट, नंबर तीन पे आता है लोकल डेवलपमेंट एप्लीकेशन, नंबर चार पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, नंबर पाँच पे डिजाइनेटेड डेवलपमेंट और नंबर छः पे स्टेट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट क्या होता है डेवलपमेंट का। इसके माध्यम से समझने की छोटी सी कोशिश करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे संपूर्ण रूप से उसकी एक डेफिनेशन दी गई है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आप इसको पढ़कर भी सही तरीके से समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही चूज करके मैंने इस टॉपिक को निकाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का। अब आता है इसके बाद में व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के फीचर क्या होते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक, लो पर कैपिटल रियल इनकम। लो पर कैपिटल रियल इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट साइज, हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है हमारे पास कि इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, डेवलपमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ डेवलप एट डिफरेंट रेट। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलता रहता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक जनरल टर्म्स पे वो काम करता है और अनदर चीज है। अब हमारे पास आता है फिफ्थ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मोस्ट ट्रेड्स आर कोलरेटेड इन डेवलपमेंट। उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट। उसके आठवां हमारे पास कि पीछे की स्लाइड आप देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट नॉलेज है इसके बारे में। इन सब पे मैं डीप एनालिसिस करके आपको बताऊंगा भी कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कहाँ से निकले, क्यों निकले, कैसे आए, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप स्लाइड्स के माध्यम से पहले उनके छोटे छोटे डेफिनेशंस को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हर एक बेसिस पे निकालेंगे हम, बिजनेस के बेसिस पे निकालेंगे, सोसाइटी के बेसिस पे निकालेंगे और अनदर साइंस के बेसिस पे, सोशल साइंस के बेसिस पे हम निकालेंगे कि डेवलपमेंट के टाइप्स कितने हो सकते हैं और उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस भी देंगे जिनके माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो इसमें हमने अभी तक पीछे के बहुत सारे स्लाइड्स छोड़ चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनको समझ भी सकते हैं, उसमें छोटे छोटे डिफाइनेशन भी किए गए हैं। और ये जो डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रियल इस्टेट एंड अदर डेवलपमेंट के भी पार्ट्स हैं, ये आप इन्हें देखते जा सकते हैं। मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो चाइल्ड डेवलपमेंट ये मेडिकल की फील्ड का डेवलपमेंट होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि मेडिकल में आ गए हम, मेडिकल में ये डेवलपमेंट होते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये हर एक तरीके के ह्यूमन बीइंग के चेंजिंग्स हैं, वो डेवलपमेंट हर एक बेसिस पे होता है। ये ह्यूमन में डेवलपमेंट होता है या फिर इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है, ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट होता है, हर एक बेसिस पे डेवलपमेंट होता है, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो नेचुरल प्रोसेस में डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, और इन्हीं के साथ आपके साथ क्या है, ये मेडिकल की फील्ड का है, टूथ डेवलपमेंट और यूथ डेवलपमेंट। टूथ का डेवलपमेंट यानी कि दांतों का विकास होना, यूथ का यानी कि नौजवानों का विकास होना। फिर आता है कंप्यूटिंग के फील्ड में, अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटिंग के फील्ड में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट,
फिर आता है सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट एंड अनदर वेब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट की फील्ड में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास है एक डेवलपमेंट एल्बम 2002 में एल्बम इज अ नॉन पॉइंट। एंड द म्यूजिकल डेवलपमेंट होता है, फोटोग्राफिक डेवलपमेंट होता है, वीडियो गेम डेवलपमेंट होता है। एंड अदर आपके पीछे जो स्लाइडर्स आ रही है उनको आप पढ़ना ना भूलें, उन्हें पढ़ते रहिएगा क्योंकि वो इस आवाज़ से कुछ ज़्यादा ही नॉलेज दे रही हैं आपको, क्योंकि मैं उन्हीं फैक्ट को बता रहा हूँ जो सही तरीके से समझा सकता हूँ, मैं उन फैक्ट्स को नहीं बता रहा हूँ जिनको नहीं बता सकता। मैं उन्हीं फैक्ट्स को इन्हें आप अपने परीक्षा में भी लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ बिजनेस, बेसिस ऑफ मेडिकल फील्ड, बेसिस ऑफ किसी भी तरीके से आता है तो उनके बेसिस पे आप इसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज भी हैं जो आपके सामने ये यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि ह्यूमिनिटी के बेसिस पे कैसे डेवलपमेंट होता है, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, यूज द रैंक ऑफ कंट्रीज बाय लेबल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हर एक चीज़ की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको समझने में बहुत ही आसानी से आप उसे समझ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप स्लाइड्स को पुश भी कर सकते हैं वीडियो को और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। और अगर आप इन डेफिनेशंस को लिखते हैं तो ये एक यूनिक डेफिनेशंस, अगर आप कहीं पे भी ढूंढते हैं तो ये डेफिनेशंस आपको नहीं मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप अगले वीडियो के टॉपिक के बारे में सोचकर बताते हैं।